How to fix OnePlus 9 Pro Volt not working problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने OnePlus की डिवाइस में Volt not working problem सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो Volt है ये किस लिए काम आते हैं? तो ये जो Volt है दोस्तों, आप जब किसी को कॉल करते हैं तब दोस्तों क्लियरिटी, ठीक है, वॉइस क्लियरिटी के लिए वॉल्ट हमें काम आते हैं। तो अगर वॉल्ट काम नहीं करे तो दोस्तों हो सकती है यहाँ पे आप कुछ वॉइस के रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर जाए, ठीक है, जब भी आप किसी को भी कॉल करते हैं। तो वॉल्ट जो है दोस्तों कैसे इनेबल करना है और कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये मैं आपको इस वीडियो पर बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या चाहिए दोस्तों, हमें सेटिंग करना होगा। उसके लिए दोस्तों हमें जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग पर, उसके बाद वाईफाई नेटवर्क पर जाना है। सिम एंड नेटवर्क पर जाके आपको प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप पर क्लिक करना है और अपना जो सिम है उसको 4G पे सेट करना है। 4G पे सेट करने के बाद अपना कोई भी एक सिम को ओपन करें, वॉल्ट को इनेबल कीजिए। अगर ऑन है तो बंद करके ऑन कीजिए, ठीक है, अगर बनी है तो आप डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं। उसके बाद डिवाइस को रिस्टार्ट करें एंड देन चेक करके देखें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो स्क्रॉल डाउन करते हुए जाइए, सिस्टम पर क्लिक कीजिए, रीसेट ऑप्शन पे जाके रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पे क्लिक कीजिए और अपना सिम सेलेक्ट करते हुए आपको रीसेट पे क्लिक कर देना है और रीसेट कर देना है। जैसे ही दोस्तों रीसेट होगा आपका जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा। बाय एनी चांस अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो जाइएगा दोस्तों सेटिंग पर, या फिर दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मोबाइल को सेफ मोड पर रिबूट करके देखिए। उसके लिए पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, ठीक है, मोबाइल को सेफ मोड पे रिबूट करें या फिर रिस्टार्ट करें। तो मैं यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा हूँ। तो सेफ़ मोड पे रिबूट करने के लिए आपको पावर ऑफ के बटन पे क्लिक करके रखना है। रिस्टार्ट के लिए रिस्टार्ट बटन दिया हुआ है, ठीक है, अभी सेफ़ मोड के लिए आपको पावर ऑफ के बटन पे 2 सेकंड क्लिक करके रखना है और ओके कर देना है। उसके बाद आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, ऑन हो जाएगा, एंड देन चेकआउट करके देखें, आपका प्रॉब्लम फिक्स। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बाय एनी चांस दोस्तों इसके बाद भी आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स नहीं हो पा रहा है तो अपना सिम कार्ड को इजेक्ट करके इंसर्ट करें एंड देन चेकआउट करके देखें। सारे साथ मोबाइल सॉफ्टवेयर आप अपडेट कीजिए, मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट रहेगा तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, फॉलो करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।